हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में कि जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए यह कालखंड कैसा चल रहा है, आज आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगी और व्यापार की दिशा क्या होगी, राजनीतिक स्थिति क्या होगी, सामाजिक स्थिति आपकी क्या हो सकती है, घर परिवार में आज आप क्या कर सकते हैं, इसके भी बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। और आज आपकी माली हालत कैसी होगी, दूर देश की यात्रा का क्या योग रहेगा, ये सारी बातें आज हम आपसे करेंगे। और आज आपको संतान सुख कैसे मिलेगा, महिला मित्रों का सहयोग रहेगा या असहयोग रहेगा, भूमि भवन से आज आपको लाभ मिलेगा या नुकसान हो सकता है, ट्रेडिंग या शेयर के क्षेत्र में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा या लाभदायक होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। मित्रों की क्या भूमिका रहेगी इस पर भी आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आपको उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है और आपको उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सारी बात आज हम आपको बताएंगे। और किसकी उपाय करें, किसकी पूजा करें जिससे आपकी चीजें ठीक हो। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको चतुर्दिक लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, माली हालत अच्छी होगी, देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, रोग और शत्रु परास्त होंगे, जो भी आपके महत्वाकांक्षाएं हैं पूर्ण होगी, द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें, प्रातः काल उठने के बाद माता पिता का चरण स्पर्श करें, बगैर उनकी सलाह का कोई काम न करें। अपने कुछ ऐसे मित्र हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं तो उनसे सावधानी बरतने की जरूरत है। महिला मित्र से दूरी बना ले, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज आपको कोई अज्ञात व्यक्ति से धोखा मिल सकता है और किसी भी स्ट्रेंजर से कोई भी नए प्रकार का डील ना करे, कोई लेन देन ना करे, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है, इसका जरूर आप ध्यान रखें। वाणी पर कंट्रोल करें, जो बात आपको खराब लगती है उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ ना करें, आपका बैलेंस व्यवहार लोगों को बड़ा प्रिय लगेगा और आज आपकी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अन्य क्षेत्रों से आज आपको धन लाभ होते हुए दिख रहा है। आपके अपने उच्चस्थ और निम्नस्थ अधिकारियों से संबंध आपके बड़े अच्छे रहेंगे, पुराने रुके हुए धन मिलेंगे। कोर्ट कचहरी में यदि न्यायालय में कोई भी विवाद चल रहा होगा तो थोड़ा सा आपके विपक्ष में जा सकते हैं, इसको लेकर के आपको चिंता हो सकती है। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपका समय स्वर्णिम चल रहा है। यदि आप लेखन कार्य करना चाहते हैं या पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होते हुए दिख रही है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शत्रु को, रोग को हल्के में न लें, अपनी चीजों को समझें और अपने को उसका हल निकालना ही आपके लिए बेहतर होगा। और भगवत भजन के प्रति भी अपनी इच्छा को बढ़ावें, अपनी इच्छा को मजबूत करें। आपका पूजा पाठ से अरुचि हो रही है तो इससे बचना है। और भाग्य से आज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी आपको ये बरतनी है कि उतावलेपन में, जल्दबाजी में कोई कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अपनी गोपनीयता बरतें। और आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय करना है कि इस दूध से बनी मिठाई या दूध से बना खीर या पंचमेवों का खीर बना करके भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें और मंदिर में अर्पित कर दें। इसके बाद सफेद रंग का पुष्प चढ़ावें, आपके लिए बेहतर रहेगा और आपके लिए शुभ अंक 2 है और शुभ रंग नीला है। हरे कृष्ण।